आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागोजी चैनल में और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी, ठीक है। और हिंदी में साथ साथ आपका इंग्लिश भी है, इसको हम दोनों लैंग्वेज पे यूज कर सकते हैं। ये हमारी बेसिक ग्रामर है, इससे हिंदी इंग्लिश दोनों इस पे ही बेस्ड है आपकी। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं इंग्लिश में इसको हम, और हिंदी में बोलते हैं इसको भाषा के प्रकार। मेनली आपके दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी कौन से होते हैं, नॉर्मल डायरेक्ट होते हैं आपके, जैसे कि पहले आपका संज्ञा, संज्ञा यानी कि इंग्लिश में नाउन। दूसरा आपका सर्वनाम प्रोनाउन। तीसरा आपका विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। फोर्थ आपका क्रिया मतलब वर्ब। और फिर फिफ्थ आता आपका, देखो क्रिया और विशेषण, तो क्रिया विशेषण जिसको बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद संबंध बोधक यानी कि जो आपस में मेल बताते हैं उनको बोलते हैं प्रीपोजिशन इंग्लिश में। देन सेवन आपका समुच्चय बोधक यानी कि कंजक्शन। एट आपका विस्मयादि बोधक यानी कि इंटरजेक्शन। ये ब्रीफ है आपका इसका, इसमें सबसे पहले मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा, आपकी पर्टिकुलर वीडियो मिलेगी इसी के साथ में, आपको मैं संज्ञा करा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी आपको वो सर्वनाम पे मिलेगी, देन विशेषण पे, देन क्रिया पे, उसके बाद क्रिया विशेषण, देन संबंध बोधक पढ़ेंगे हम, फिर समुच्चय बोधक पढ़ेंगे और विस्मयादि बोधक पढ़ेंगे। ये बेसिक ग्रामर होगी हमारी जो सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें संज्ञा स्टार्ट करते हैं, संज्ञा है क्या और कैसे कैसे समझते हैं उसको। नोट ऑन प्लीज को आप, देखिए हमने पढ़ा था अभी क्या संज्ञा, इसमें पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं संज्ञा। संज्ञा मतलब होता है आपका नाउन। देखिए संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा कहती है हमसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, लड़का, आगरा आदि। यानी कि मैं हूं, मैं एक लड़का हूं, तो मैं भी क्या हूं, एक संज्ञा हूं। मेरा नाम जो भी है मैं भी वो, जैसे राम, श्याम, जो भी नाम हो वो क्या होता है, वो भी एक संज्ञा होता है आपका। प्लस कोई वस्तु जैसे टेबल हो गई, चेयर हो गई, वो भी आपकी क्या है, संज्ञा है। कोई प्लेस है दिल्ली, आगरा, कुछ भी, गाजियाबाद, कुछ भी कह सकते हैं, वो भी क्या है आपका, एक संज्ञा है आपका, यानी कि नाउन है। अब इसमें हम बात करते हैं जो संज्ञा यानी कि नाउन के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूं आधुनिक मान्यता यानी कि मॉडर्न, मॉडर्न के व्याप पे बात करता हूं, तीन प्रकार होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं आपके, ठीक। लेकिन अगर मैं प्राचीन मान्यता की बात करूं यानी कि एंशियंट की बात करें तो कितने होते हैं, पांच प्रकार होते हैं आपके। जो आपके मैं प्राचीन बता रहा हूं आपको वो टोटल ये है फाइव। पहले इनको देखते हैं, इनका ओवरव्यू क्या है, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला है हमारा व्यक्ति वाचक संज्ञा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आता है आपका जाति वाचक संज्ञा, इंग्लिश में बोला जाता है इसको कॉमन नाउन। थर्ड आता है आपका भाववाचक संज्ञा, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ आपका समुदाय वाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। फिफ्थ आपका द्रव वाचक संज्ञा यानी कि मेटेरियल नाउन। फिर टोटल आपके बेसिकली पांच टाइप के होते हैं ये, एंशिएंट यानी प्राचीन मान्यता के व्याप में आपके। तो आइए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हैं, विद एग्जांपल इसका। देखिए मैंने आपको तो बताया कि पांच होते हैं आपके प्राचीन के, प्राचीन संज्ञा जो होती है पांच के प्राचीन प्रकार के। उसमें पहला था आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम समझते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है आपका, ये कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो, कोई प्रॉपर खास नाम होते हैं ना, जैसे एक पर्टिकुलर से एक बंदा है या बंदी है उसका एक पर्टिकुलर नाम है, जैसे मेरा नाम है तो मेरा नाम एक पर्टिकुलर नाम हुआ ना, अब ये चीज है, इसके एक पर्टिकुलर नाम है, ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है। तो इसी टाइप को क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि राम, गंगा, दिल्ली, उनका एक पर्टिकुलर नाम होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है आपका, सेम वही है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, डिफरेंस क्या है इसमें, व्यक्ति वस्तु व्यक्ति स्थान के खास के लिए ना कहकर, मतलब पर्टिकुलर उसके लिए ना कहकर, बल्कि उसकी पूरी जाति का बोध किया जाता है। जैसे मैं हूं, मैं क्या हूं, एक लड़का हूं, नाम मेरा भी कोई भी है लेकिन मैं क्या हूं, एक लड़का हूं, तो एक मेरी पूरी एक जाति आ गई उसमें, क्या आगे, जैसे लड़का हो गया, लड़की। अब दिल्ली का एक शहर है, ठीक है, हम सब क्या आदमी है, लेडीज है, मेल फीमेल, इस टाइप का पूरा समूह आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं आपका, समझ में आया आपको। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या था हमारा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें भाव स्पष्ट हो रहा हो, मतलब इसमें पता है कि अंदर फीलिंग क्या आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे खुशी है, या मैं किसी बात से चिंतित हूं, परेशान हूं, तो उन चीजों क्या बोलते हैं, भाव।
मतलब क्या सोच चल रही है, मतलब अंदर से भाव क्या आ रहे हैं हमारे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्लियर आपको ये? नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा होता क्या है, देखिए कह रहा है समूह को प्रकट करने वाली संज्ञा को हम क्या कहते हैं, समुदायवाचक कहते हैं। अब एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो क्या बोलेंगे उसको, भीड़ बोलेंगे ना, तो वो क्या हो गया, एक समूह हो गया। या फिर कहीं बहुत जने मंत्रीगण बैठ के बात कर रहे हो, क्या बोलते हैं, सभा होती है। सेना की टुकड़ी एक साथ जा रही होती है, क्या बोलते हैं उसको, समुदाय वाचक। मतलब एक समुदाय है पूरा, बहुत सारे लोग मिलकर यहां इकट्ठे हो बैठे हैं, उसको क्या बोलते हैं, समुदाय वाचक संज्ञा। क्लियर है आपको? देन फिफ्थ आपका, फिफ्थ कहता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कह रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है आपका, ये कहता है जिन जिन संज्ञाओं में ठोस, तरल, धातु, अधातु, पदार्थ आदि हो। मतलब कोई भी चीज हो जो मेटेरियल से बनी हो या नॉन मेटेरियल से बनी हो आपकी, तो उसी को क्या बोलते हैं हम आपका, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि लोहा है, लोहा एक मेटेरियल से बना है आपका, सोना बनता है, तेल है, घी है, लिक्विड से होती है चीजें, तो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इस टाइप से बेसिकली हमारी जो संज्ञा थी पांच टाइप में बटी हुई है हमारी, ठीक है, पांच प्रकार में विभाजित है आपकी, ये बेसिक है आपका इसका बिल्कुल। नेक्स्ट सेमेस्टर के बाद अगला टॉपिक कवर करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का, टोटल आठ टॉपिक है। ये पहला टॉपिक मैंने कराया, उसका डे बाय डे आपको कंप्लीट होगी, उसमें आपकी पूरी हिंदी ग्रामर आपकी आ जाएगी और साथ साथ ही इंग्लिश के लिए भी, इंग्लिश ग्रामर के लिए भी बिल्कुल बेस है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप इसको अच्छे से आती है तो इंग्लिश ग्रामर आप बहुत जल्दी कैच कर पाएंगे आपके लिए, ठीक है। ये सभी के लिए है, चाहे क्लास सिक्स का हो, सेवन्थ का हो, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो, किसी भी कॉम्पिटिशन, लेके कॉन्स्टेबल से लेके यूपीएससी तक की भी तैयारी करते हैं। यूपीएससी में आपका लैंग्वेज आती है तो उस लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ता है, तो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। और कांस्टेबल की तो बहुत पैसे मेन ही आपका यूपी के लिए, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल के लिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइस, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल द ब्राइट फ्यूचर पेडागॉजी को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।